कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामे के आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे। महक से शमशेर की ये हालत देखी नहीं जाती, वो यही कहती है शमशेर की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। मुझे कोई हक नहीं पहुँचता था कि मैं इस तरह शमशेर को अपनों से दूर कर दूँ। अगर मैं पहले ही बाबा साहब को माफ़ कर देती तो शमशेर किसी हाल में भी अपना घर छोड़ने के लिए तैयार न होता और शमशेर की माँ उसे इस तरह हमेशा के लिए छोड़ कर न जाती। इस सब में कसूर सिर्फ मेरा है। यहाँ तक कि जब से मैं शमशेर की जिंदगी का हिस्सा बनी हूँ, बाबा साहब ने शमशेर को जायदाद से आग कर दिया और इस तरह शमशेर को सिर्फ मेरी वजह से दर बदर की ठोकरें खानी पड़ी हैं। इधर अगर बात करें निदा की, जो एहसन से कहती है तुम इतनी बड़ी बात हमसे कैसे छुपा सकते हो, मामानी किसी हाल में भी मुझे इस घर की बहू बनाना ही नहीं चाहती थी। अगर तुम ये बात मुझे पहले ही बता देते तो मुझे हर रोज तुम्हारी माँ की इस तरह की बातें तो सुननी ना पड़ती। निदा मेरी बात का यकीन करो, अभी वो थोड़े गुस्से में है इसीलिए तुमसे इस तरह बात कर रही है। वक्त गुजरने के साथ साथ उन्हें इस बात का यकीन आ जाएगा कि तुमसे शादी करना मेरे लिए कितना जरूरी था। मैं किसी हाल में भी अपनी वजह से तुम लोगों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था। ऐसा मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। निदा मेरे होते हुए तुम्हें इस घर में कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं अम्मी को समझाने की कोशिश करूंगा, वो जरूर तुम्हारी बात सुनेंगी। आने वाली एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं।